हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास एक 9 वाट LED आया है। इसका प्रॉब्लम है कि ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, कभी कभी जल रहा है और कभी कभी ये नहीं जलता है। आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसे हम कैसे ठीक करते हैं, चलो चलिए देखते हैं। इस ढक्कन को पहले हमें खोल लेना है। देखिए यहाँ पर इस लाइट को, यहाँ पर जो लाइट है, सारे के सारे लाइट को हमें एक LED टेस्टर से माप लेना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक LED खराब है और ड्राइवर, LED के अंदर जो ड्राइवर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक LED खराब है। तो ये LED को हम शॉर्ट करके भी ये लाइट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर खराब हो जाएगा। तो ये लाइट को मैं रिपेयर नहीं करूँगा, उसके बदले में मैं मार्केट से एक नया वाला लेकर आया हूँ। ये फ्लैट आप लोग देख सकते हैं, तो ये प्लेट को हमें कैसे लगाना है आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर है इसे खोल लेना है। उसके बाद आपको जो LED का ये लॉक होता है वो लॉक खोल लेना है। किसी किसी LED बल्ब में आपको यहाँ पर एक स्क्रू, दोनों स्क्रू यहाँ पर और यहाँ पर देखना, किसी किसी LED में आपको यहाँ पर दोनों आपको स्क्रू दिख जाएगा। तो लॉक को हमें खोल लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्लेट मैंने खोल लिया है। अब ये प्लेट को हमें यहाँ पर लगाना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेट ले लिया है। इस प्लेट को पहले हम LED टेस्टर से देख लेंगे कि ये खराब है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये पूरा ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। इसका जो लॉक है, इस लॉक को मैं यहाँ पर दे दिया। अब इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर है
पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर जो है वो हम सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग मैंने कर दिया है दोस्तों, अब हम इसे लाइन देते हैं। दोस्तों मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एक एलईडी खराब था वो एलईडी मैं शॉर्ट करके भी चला सकता था, लेकिन वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला लगाया, ये बहुत दिन चलेगा। तो इसे हम अब लाइन देकर दिखाएंगे आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो एलईडी है वो पूरा ठीक हो गया है। हमारा जो एलईडी है पूरा ठीक हो गया है। अब हम इस ढक्कन को मार देंगे। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।